my skin doctor, apparently I had booked an Ola. I had booked a driver through DriveU. I had booked Uber. All the three applications have crashed. Okay. The DriveU driver, I think, is driving in the heaven. Ola and Uber, the application was giving them wrong addresses, wrong locations. I don't know what was happening. So finally, I've requested my husband, this one, to drop me. How are you? I'm good. How are you? Even jo amar driver ho, bhi chutti mar gaya. So the whole thing is, yeah, that's the way it is. But the whole thing is, Sangram, wo tumhara biometrics ho gaya phone ke upar? Biometric kya hota hai? Biometric yani fingerprint jo tumne kiya hai apne phone ke upar. Oh my god. तो तुम्हारे जितने भी WhatsApp के inbox chats हैं वो अभी छुप गए हैं शायद. वो छुप गए. You want to open? No. I'm not interested. But yeah, जिसने 12 साल से तुम्हारा phone नहीं check किया वो अभी क्या check करेगी? But your intention is out there in the market that you needed biometric to kind of lock your phone. Oh my god. How sad. पहले की छोटी सी बात बताऊँ? क्या बताओ? If we change ourselves, yeah. Then world will be changed automatically. So I have changed myself. I am not expecting the world to change. You are so good. You are so kind. You are so sweet. You are yeah, so cute. Yeah. इतने sweet, इतने kind, इतने go मतलब थोड़ा सा change कर लो. Don't try to be over smart with me, okay? No, in my video, तुम सा चेहरा है ना कि forever कि मैं मासूम हूँ 20 साल का मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Body 16 साल. Yeah, कोई body है 16 साल की नहीं है. I can understand biometrics requirement now for testing thieves and murderers. Magar biometrics ka istemal karna achhi baat hai. Lock your phones, lock your emails, lock everything through biometrics, laptop. It's just that mere saath, but it's good. Ab main tumhara fingerprint ka to wo nahi lene wali hu na. I'm not like that. दो तीन दिन से खाली कुछ चैट्स पढ़ी जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वर हैपनिंग मनी ट्रांजैक्शंस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस वर हैपनिंग टू अनइम्पोर्टेंट पीपल सो आई जस्ट थॉट आई शुड शेयर दैट स्क्रीनशॉट विद माय पेरेंट्स ठीक है एनीवेज थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी आई होप यू हैड योर लंच Always welcome, Pali. You know, nah. I'm always there for you. Oh, wow. You also know, nah. I'm always there for you. Yes, sir. You know how much I love you. Oh, wow. How sweet. Yes. So, कौन सी गोली खाई थी? ठीक ठाक थी ना गोली? वो आप वाली थर्ड राउंड में से सेकंड गोली ली थी. Bye. So you should be kind with me. I am very kind. You should be kind with me. मैंने अभी तक ये नाम नहीं लिया अनइम्पोर्टेंट पीपल का ठीक है मैंने अनइम्पोर्टेंट पीपल को अनइम्पोर्टेंट ही रहने दिया है मेरे वीडियो में बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं दी है नहीं नाम आप ले भी नहीं सकते किसी का वो नहीं नाम तो मैं किसी का भी ले सकती हूँ नहीं नहीं लीगल क्या लीगल नहीं है आई कैन टॉक अबाउट एनीबडी आई कैन कॉल एनीबडी अनइम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस कॉल ईच अदर अनइम्पोर्टेंट कोई किसी को बोलता है वो तो सब बेहद इंसान है ना आप पढ़े लिखे हो हाँ तो पढ़े लिखे हो तो भी क्या हुआ इफ आई वॉन्ट टू कॉल एक्स वाई जेड अनइम्पोर्टेंट आई हैव अ राइट टू कॉल देम अनइम्पोर्टेंट अभी देखो क्या है कि या आपको पता है क्या संग्राम आपको है ना कानून नहीं पता प्रॉब्लम ये है तभी तुम जी रहे हाँ तो आपको कानून नहीं पता ना इसलिए आपको ये नहीं पता कि हम क्या बोल सकते क्या नहीं बोल सकते देखो मैं कुन्ना मुझे कानून का पता ना कुछ मुझे हाँ। मुझे भारतीय संस्कृति का पता है अच्छा उसके अनुसार जी रहा हूँ अच्छा आई डोंट बिलीव इन कानून और इनमें अच्छा भारतीय संस्कृति आप पालन कर लो तो आपको कानून सब कुछ उसके अंदर ही आ जाएगा कहते हैं ना हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं अच्छा तो इसमें सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी जैसे कई पॉलिटिशियन हैं जो काफी पढ़े लिखे होके भी बेवकूफ बनाते हैं समझदार होने की कोशिश करते हैं मैं नाम नहीं ले सकता किसी का अच्छा नाम लूंगा भी नहीं नहीं नाम लेने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज़ यू आर अ डिप्लोमेटिक पर्सन ना यू डोंट टेक अ राइट स्टैंड फॉर योरसेल्फ सो हाउ कैन यू टेक नेम्स ऑफ एनीबडी स्टैंड लूं मैं कोई साइकिल स्कूटर थोड़ी नहीं मैं स्टैंड तुम साइकिल स्कूटर हो ही नहीं तुम कभी स्टैंड किसी के लिए लेते नहीं हो तुम मेरे लिए भी स्टैंड नहीं लेते हो तो फिर क्या मैं बोलूं लेफ्ट नहीं भैया मैं स्टैंड क्यों लूं आपके लिए देखा दैट्स इट सो दैट्स द होल थिंग सो वी ऑल हैव टू फाइट आवर बैटल्स अलोन यू अंडरस्टैंड देखिए क्या है पायल की हाँ मेरी एक आदत है कि मैं सही को सही गलत को गलत बोलता हूँ नहीं तुम्हारे को ये आदत नहीं है तुम डिप्लोमेटिक हो तुम सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते हो मैं सही को सही बोलता हूँ गलत को गलत नहीं बोलता
गलत को गलत नहीं बोलते। हाँ, तुम डिप्लोमेटिक होते हो। डिप्लोमेटिक नहीं, मैं देखो क्या होता है कि मैं उस चीज में उसको एक बार राय दे देता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से चीज ठीक नहीं है, कोई सामने वाला उस पे फॉलो करे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मॉरल पुलिस क्यों बनूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत को गलत बोलते भी नहीं हो, सो दैट आपको पता है क्या, आपको सबके सामने अच्छा बनना है, आपको गलत के सामने भी अच्छा बनना है, और उस बार्गेन में अगर आपकी बीवी भी पिस जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? जानते हो ना, मैं सब सब सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट कर दो, बीवी के कर लो ना, तो भी अच्छी बात है। ये भगवान, अगर बीवी सबके साथ तो शादी नहीं करी ना, बीवी के कर लो। While you know, how much I respect you. Oh, यार राइट, अभी तुम्हारे घर, हमारे घर के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाली, तो गलत बात है ना। अरे कैमरा लगा देते हैं यार, मतलब प्राइवेसी छीन रखी है मेरी, बताओ। प्राइवेसी आपकी, मेरी भी तो है ना प्राइवेसी, तो आप तो हम दोनों की प्राइवेसी है, ऐसे तो नहीं कि अकेले अकेले मैं आपको शूट कर रही हूँ। हाँ तो भैया, तो मैं कुछ बात करूँगा तो वो कैमरा की फुटेज डाल देते, नहीं नहीं तो अब वो कैमरे मेरे फोन में साइन ही नहीं, आपके फोन में साइन है, तो आप अपने फोन में साइन कर लो, मैंने कब रोका आपको, मैंने तो आपको रोका नहीं ना, इंटरनेट आपके नाम पे साइन है ना, तो कैमरा भी आप अपने नाम पे साइन इन कर लो। ये है कि कैमरा में सबको पता चल जाता है कि कौन मासूम है कौन मासूम नहीं है। पहले याद रखो, हाँ, हाथी बैठ भी जाए ना गधे से ऊंचा होता है। अच्छा, आप जो पढ़, तो आप मुझे क्या कह रहे हो कि मैं गधा हूँ और आप हाथी हो? मैंने कुछ नहीं बोला आपको। देखो, आप इंटेलिजेंट क्यों हो? देखो मतलब नार्सिसिज्म की भी एक लिमिट होती है ना। आप इंटेलिजेंट क्यों हो? मैं तो हूँ इंटेलिजेंट यार, इसलिए तो लोगों को हजम नहीं होता। So intelligent you are. हाँ, मैं कम से कम ये तो नहीं बोलती ना कि भगवा कलर की बिकनी पहनी है इसलिए पिक्चर बैन करो, चलो लेफ्ट लो। नहीं भैया देखो, हमारे जो जो संस्कारी लोग है ना उनके वो बहुत अच्छे हैं। हाँ obviously, मेरे को मेरे संस्कार पता है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट माय संस्कार एंड माय धर्म और वॉट एवर माई थॉट प्रोसेस अबाउट माई धर्म, देखो इज दैट वी कैन टॉक अबाउट। मैं कितनी केयर करता हूँ कि मैं खाना खाते ही आपको एक, हाँ, आपको अच्छी तरह ड्रोप करने आ रहा हूँ, अच्छी गाड़ी में, अच्छे, हाँ, उसमें, अच्छी बात है बहुत, ना बहुत, बहुत, खाना मैंने रखा था गरम करने का, खाली रह गया था, आई हैड रिमूव्ड द खाना, केप्ट इट फॉर यू विद द छास एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट ऑब्वियसली लेफ्ट थिंकिंग दैट मेरी टैक्सी नीचे आ गई होगी। टैक्सी का आपका ड्राइवर नहीं आया ना? ड्राइव यू का भी ड्राइवर ने डिच मारा, वो एप्लीकेशंस मस्ट हैव गूफ्ड अप। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ना उन चीजों से? हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ना, वो कई बार हो जाता है, एक आधी बार, बट बहुत कोइंसिडेंस हो रहा है ना, कोइंसिडेंस बहुत होता है मेरे साथ। अब आपके साथ पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो जिसको भी वैसे भी एक मैसेज कर देता हूँ बेचारे सारे आ जाते हैं। अभी कहीं ब्रो कोड एक्टिव हो जाता है। हाँ ब्रो कोड तो बहुत स्ट्रांग है बाबा, आपका ब्रो कोड तो ऑसम है, मजेदार है, मजेदार। ओके बाय बाय। वो अच्छा, मैंने सुना आपकी पिक्चर कोई चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में आई है। चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में आ गई है और सरकारी के फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेशन में आ गई है। सर कौन सा सरकारी फिल्म फेस्टिवल? उसमें नहीं, तुम तो कुछ भी फेंक रहे हो, मतलब फेंको भी एक लिमिट में फेंको। तुमने मुझे खाली चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल का दिखाया था कि स्क्रीनिंग हो रही है उसमें। अब देखना भैया कहाँ कहाँ हो रहा है, जब आप मेहनत से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, हर जगह होगा। हाँ बट आप ऐसे कैसे मुझे हाफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और खुद कुछ और इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो? डोंट गिव फेक न्यूज इन माय वीडियो। अब केजरीवाल जी या दूसरा कोई बोलता सारी सीन, डोंट गिव फेक न्यूज इन माय वीडियो, ओके? डोंट बिकम कंगना प्लीज। भैया देखो, मैं आई रिस्पेक्ट कंगना जी। यस यस, आई ऑल्सो एम वेरी हैप्पी फॉर आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो के सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको उनको इंग्लिश नहीं आती थी। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैप्पी फॉर हर, आई रिस्पेक्ट हर। सो डोंट गिव फेक न्यूज टू मी कि आपकी पिक्चर को नेशनल अवार्ड में नॉमिनेशन मिल गया है, ठीक है भैया? चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में दिख रही है। अरे मैंने नहीं बोला कि वो मिल गया, मगर उसमें मिल जाएगा अभी, उसको उसका अभी टाइम नहीं आ भरने का। अच्छा, मिल जाएगा उसमें। अच्छा ओके बेबी बाय। बेबी क्या होता है? बेबी छोटा बच्चा होता है। तो मानते हो ना कि मैं मासूम हूँ, छोटा बच्चा हूँ, तो फिर तो रिएक्ट क्यों करते हो इस चीज पे? तो मतलब आप आचित भी आपकी पट भी आपकी। अरे रहने दो क्या क्या आप ऊंट की तरह जमाई ले रहे हो, तो पूरा दिन शांति से रहो, खुशी रहो, छोटी सी जिंदगी क्या लेके आया। तो मैं तो खुशी हूँ अभी, मैं खुश हूँ। एक काम करते हैं, एक एक्टिव इंसान को तुम बोलते हो पड़े रहो ऐसे, ऐसे तो नहीं होता ना। तुम्हें लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, आई एम लिविंग एंड लेटिंग लिव, ओके? ये बापू का नारा था। बापू को तुम फॉलो करते हो ना, बापू की आइडियोलॉजी? एवरीबॉडी मस्ट हैव हैड सम गुड पॉइंट।
points in them for people to look up to them. Okay, we don't know what happened in history and what happened because of which certain decisions you are taken. You are the philosopher of history. हम तो जानते हैं भैया. रहने दो. मैं WhatsApp University के pass out नहीं बनना चाहती हूँ. आपको पता है वो जो right वो जो talent है वो कोई और ले रहा है. आपकी knowledge के लिए बताऊँ मैं. हाँ. ज़िंदगी में छोटी सी बात बता रहा हूँ. हाँ. मैंने इतिहास से स्नातक किया, मतलब एमए किया मैंने. हाँ. स्नातक से ऊपर होता है, स्नातक और होता है शायद वो. हाँ. हिस्ट्री से एमए किया मैंने. और दूसरी बात पता है क्या है? हाँ. कि मैं एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ. मेरे से आप पूछ सकते हैं. नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं. मुझे कोई हिस्ट्री के बारे में सवाल ना आपसे पूछने हैं. सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं कि ना व्हाट्सएप से पढ़ना है. सेकंड थिंग पता है क्या बताऊं? हाँ. जिंदगी में अगर रिस्क और रिग्रेट हो ना, तो वहाँ पे आप रिस्क को चुनो, क्योंकि अगर रिग्रेट चुन लिया तो जिंदगी भर रिस्क भी रहेगा और रिग्रेट तो होगा ही होगा. रिस्क चुन लिया ना, कम से कम रिग्रेट नहीं रहेगा. वाओ. तो इसीलिए लाइफ में जो आपका आपने जो कोई बोला, जो इतिहास के बारे में बोला, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ, कुछ हुआ, कोई जी नॉर्मल बात, इससे अनुभव कितना लिया ही, देखो आपने क्या कितना सीखा. ये छोटी सी बात है. आजकल तो देश तिहाड़ से चल रहा है सर. दिल्ली तो पूरा तिहाड़ से चल रहा है. दिक्कत वाली क्या बात है कि आप एक दिन बूंदी जेल में रहे या दो दिन रहे, क्या फर्क पड़ना उससे. 30 घंटे तो क्या फर्क पड़ना है. आपने कितना कितना खूबसूरत मौसम, कितना नेचर एंजॉय किया वहाँ पे. और दिक्कत तो परेशान तो हमें हो रही थी. आपको खाने का दिया वहाँ पे, कंबल दिया, आपको सारी चीज दिया. It was not bad. It was nice. It was nice ना. तो बस बात खत्म. फिर किस चीज का रिग्रेट करना है? मैं किसी का रिग्रेट नहीं करती. तो बस I just move on. Do you understand? So, कितना गोचू अभी से क्या करूँ मैं, बताऊँ? कुछ नहीं. चलो, now we are cutting the video. Say bye bye to my fans. अच्छा, आपके फैंस भी हैं? हाँ. आपको क्या लगता है कि वो रियलिटी शो में जो कहानी बेची गई कि मुझे वीडियो, मुझे वोट्स नहीं आते, तो मेरे फैंस नहीं है? हाँ. चलो, चलो, आपके आपके सभी फैंस को मैं तो मानता हूँ कि भाई मेरे कोई फैंस नहीं, मेरा परिवार है, दोस्त है, भाई है, सब. अच्छा, अच्छा. मेरे फैंस के ऊपर मजाक मत उड़ाओ. डोंट बिहेव लाइक द कॉमेडियन. ओके, थैंक यू, बाय. So now I've done my skin treatment and I'm going back in a cab. Go Green. Yeah, it's an electric cab. And I got the booking fast for a change. Like immediately in 3 minutes. Bye. तो लॉन्ग रूट बताएगा तो जो कस्टमर है उसको भी लगेगा कि आप लंबा रास्ता ले रहे हो. नहीं नहीं, बट मैं आप गलत बता रहा था. क्योंकि मैंने पहले रिजर्व किया था तो वो थोड़ा लेट दिखा रहा था, तो फिर मैंने नाव दबाया तो आपकी बुकिंग आ गई. तो मैंने बोला चलो फटाफट निकल जाती हूँ, क्योंकि इस दिन में मुझे ओला उबर सबने कैंसिल मारा, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया. कभी कभी सिस्टम ही गड़बड़ कर रहा होता है. हाँ, सिस्टम इसका ठीक नहीं.